I welcome you all to Watch and Learn with Divi Sami. The topic for this video is nouns. We have discussed parts of speech in previous lessons, previous videos in numerous of time, but to be the fact, it's not until we revise it again and again we gain perfection in English grammar. So first of all, we will talk of parts of speech. I tell you why. Because like other subjects, grammar is also changing nowadays with gradual times. Earlier we knew that there are 8 parts of speech, but nowadays grammarians say parts of speech are 9. One new category is included, and that is determiners. So now we can say there are 9 parts of speech, namely noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, and determiners. Determiner is newly included in parts of speech. Ek sentence ka nirman bahut sare shabdon se milkar hota hai, aur kisi bhi sentence ke wo sare word in 9 mein se kisi na kisi category mein belong karte hain, kisi na kisi category ke hote hain. लेकिन सेंटेंस के इन सारे वर्ड्स के बारे में, शब्दों के बारे में मैं एक बात आप लोगों को खास तौर पे बताता हूं, वो ये कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड किस तरह से फंक्शन कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, किस प्रकार से यूज किया गया है, इस पे डिपेंड करता है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. कोई भी वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के किस कैटेगरी का है ये डेफिनेट नहीं है. ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में वो वर्ड कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा. दैट मीन्स कैटेगरी डिपेंड करता है फंक्शन पे. ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है वर्ड के फंक्शन के अनुसार. हेंस द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड डिपेंड्स ऑन द वर्क इट परफॉर्म्स इन द सेंटेंस, नॉट ऑन द वर्ड इटसेल्फ. नाउ लेट अस कम डाउन टू आवर मेन टॉपिक. आवर मेन टॉपिक इज नाउन्स. Nouns are naming words. They name people, place, animals, common objects, and a great number of things. We all know this very well, that nouns are the naming words. Kisi bhi vyakti ka naam, kisi bhi place, kisi bhi animal, kisi bhi common object, ya bahut sare vastu jo hamare aas paas dikhte hain, us har ek ka koi na koi naam hota hai. Aur aise kisi bhi name ko, नेम को बताने वाले वर्ड को हम नाउन्स कहते हैं. कम लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल सेंटेंस. मदर इज इन हर किचन, अ रूम इन विच शी कुक्स फॉर द फैमिली. शी कीप्स बिजी विथ हर पॉट्स एंड पैन्स एंड मेक्स डेलिशियस फूड विच आर टू द टेस्ट ऑफ एवरीबडी. व्हेन वी सी दिस सेंटेंस देयर आर सेवरल वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स पर्पल कलर में है, हाईलाइटेड है. जो पर्पल कलर हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, दे आर ऑल नाउन. इनमें से हर वर्ड किसी न किसी व्यक्ति, प्लेस या किसी वस्तु का नाम बताता है, और हम जानते हैं कि नाम बताने वाले नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं. तो ये सारे हाइलाइटेड वर्ड्स नाउन हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नेमली प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मेटेरियल नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग. कोई भी व्यक्ति है तो उसका कोई नेम होगा, कोई भी जगह है तो उसका कोई नेम होगा, कोई भी वस्तु है उसके भी नेम होते हैं. तो किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु या किसी खास प्लेस के नेम को प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. सो प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग. वीकडेज के नेम, मंथ के नेम, किसी पुस्तक का नाम या फिल्म का नाम या ऐसे कोई भी यूनिक नेम, सभी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में होते हैं. डाउन देयर ऑन द स्क्रीन देयर आर 4 एग्जांपल्स. 4 सेंटेंस हैं. हर एक सेंटेंस में जो पर्पल कलर के हाइलाइटेड वर्ड्स हैं वो सभी प्रॉपर नाउन हैं. इन फर्स्ट एग्जांपल द एल्प्स किसी एक माउंटेन का नाम है, द स्विट्जरलैंड किसी एक प्लेस का नाम है, रॉबिनहुड किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, काठमांडू
किसी एक शहर का नाम है, नेपाल किसी एक कंट्री का नाम है और सेंट्रो किसी एक कार का नाम है। तो किसी एक के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। सामने स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4 के वही डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे एल्प्स, स्विट्जरलैंड, रॉबिनहुड, ब्रिटेन, काठमांडू सभी प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। सेंट्रो चूंकि किसी एक कार का नाम है इसलिए वो भी प्रॉपर नाउन का ही एग्जांपल होगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। सेंटेंस में जब कभी भी प्रॉपर नाउन हम लोग लिखेंगे तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। लेट अस फर्स्ट रीड द डेफिनेशन गिवन। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज वन। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे जब हम एनिमल बोलते हैं तो पूरी दुनिया में एक जैसे दिखने वाले जितने भी हैं, चार पैरों वाले या एक खास कैटेगरी में आने वाले जितने भी जानवर हैं, एनिमल कहते ही उन सबको बोध होता है, हम उन सभी को एनिमल कहके इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर मैं बॉयज कहता हूं तो इसका मतलब पूरी दुनिया में एक जैसे दिखने वाले जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एक डिफिनेट एज ग्रुप के इस एज से इस एज तक जितने भी हैं हम उन्हें बॉय कहेंगे। तो बॉय कहने से पूरी दुनिया में एक जैसे दिखने वाले जितने भी हैं उन सब के बारे में बताया जाता है, उन सबका बोध होता है। लेकिन एक ही क्लास में रहने वाले, स्टडी करने वाले जो बॉयज हैं तो वो लिमिटेड हो गया, पूरी दुनिया नहीं एक ही क्लास में रहने वाले। दैट मीन्स कलेक्टिव नाउन लिमिटेड है। लिमिटेड मीन्स कॉमन की तरह पूरी दुनिया में सभी को नहीं रेफर करता, बल्कि किसी खास जगह पे या किसी खास मकसद से बनाए गए ग्रुप में जितने भी हैं उनको रेफर करता है। जैसे किसी एक क्लास में एक ही सब्जेक्ट और एक ही सिलेबस फॉलो करने वाले सारे बॉयज जो एक ही साथ बैठकर स्टडी करते हैं तो हम उन्हें क्लास कहेंगे। दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं लेकिन वो सारे एनिमल्स जो ग्रुप बनाकर एक साथ रहते हैं उन्हें हम हर्ड कहेंगे। दैट मीन्स पूरी दुनिया के सारे एनिमल्स नहीं, उन सारे एनिमल में ऐसे एनिमल्स जो एक ही प्लेस पे रहते हैं, एक ही ग्रुप में रहते हैं, हम उन्हें हर्ड कहते हैं। तो हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है और हर्ड करने से एक ही जगह पे एक ही ग्रुप में रहने वाले जानवरों के बारे में पता चलता है, पूरी दुनिया के सभी जानवरों का बोध नहीं होता। सेम वैसे ही क्लास, क्लास का भी स्कोप लिमिटेड है, हर्ड का भी स्कोप लिमिटेड है। तो हम देखते हैं कि हर्ड और एनिमल कलेक्टिव नाउन है और हर्ड और एनिमल से एक खास ग्रुप का बोध होता है। सिमिलरली नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स से हम कलेक्टिव नाउन के बारे में और बेहतर समझ पाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल, मदर हैज लॉस्ट हर बंच ऑफ कीज। यहां बंच कहने से चाबियों के, बंच ऑफ कीज कहने से चाबियों के उस गुच्छे को हम लोग इंडिकेट करते हैं जो सारी चाबियां एक साथ एक ही रिंग में रखे हुए थी। वैसे ही बहुत सारे रोजेज को मिला करके बुके बनेगा, तो ऐसे रोजेज जो एक साथ रखे गए बांधे गए उन्हें बुके। एक ही तरह के सिलेबस और पैटर्न को फॉलो करने वाले, एक ही सब्जेक्ट की स्टडी करने वाले सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम लोग कहेंगे क्लास। और एक ही झुंड में रहने वाले जितने भी शिप हैं, जितनी भी भेड़े हैं, जो एक साथ जिन्हें घुमाया जाता है, रखा जाता है और उनको ग्रो किया जाता है, उन्हें हम कहेंगे फ्लॉक। तो यहाँ पे सबके सब किसी एक ग्रुप को रेफर करेंगे। तो इन सारे सेंटेंसेस में जो हाइलाइटेड वर्ड्स थे, पर्पल कलर के वर्ड थे, जैसे बंच, वो रेफर कर रहा था कलेक्शन ऑफ कीज पुट टूगेदर। बुके रेफर कर रहा था फ्लावर्स विच वर पुट टूगेदर। क्लास मीन्स स्टूडेंट्स विच वर पुट टूगेदर। एंड फ्लॉक मीन्स ऑल द शिप्स विच वर टेकन टूगेदर। सो वी सी ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवेन टू ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स स्पोकन ऑफ एज वन होल। ऐसे ग्रुप जिसके बारे में एक साथ रेफर करते हैं। द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
Abstract nouns are the names given to qualities, feelings, or emotions. They do not describe or name physical objects. Abstract noun quality के बारे में बताते हैं, feeling या emotion के बारे में बताते हैं. ये ऐसे name हैं, ये ऐसे emotions के name हैं, feelings के name हैं, जिनका कोई physical existence नहीं होता. वो दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें हम छू नहीं दे सकते, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से. आइए हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. यहाँ पर्पल कलर में हर एक सेंटेंस में पर्पल कलर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए हुए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज विजडम. विजडम मीन्स हमारे अंदर जो बुद्धि होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है. ये दिखाई नहीं पड़ता, हम इसे टच नहीं कर सकते. फिर किसी व्यक्ति के पास जो विजडम है, ये हमें उसकी एक्टिविटी से पता चलता है. सेकेंड सेंटेंस में एक वर्ड है ब्यूटी, हाईलाइटेड है. ब्यूटी मीन्स सुंदरता. किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की सुंदरता महसूस की जा सकती है. इन द सेम मैनर इन थर्ड सेंटेंस लास्ट वर्ड जॉय. जॉय क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है. खुशी हम अपने मन के अंदर महसूस करते हैं. वो न दिखाई देता है, न छूने की चीज है, और न ही ये फिजिकली एक्सिस्ट करता है. गरीबी भी महसूस करने की चीज है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि फीलिंग्स, इमोशंस, टेस्ट, स्मेल और एनीथिंग विच वी कैन फील एंड अंडरस्टैंड इज एब्स्ट्रैक्ट. विजडम, ब्यूटी, जॉय, पॉवर्टी, ऑल दीज नेम्स रेफर टू समथिंग दैट वी कैनॉट टच बट वी कैन ओनली फील. दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वट वी कैन फील बट कैनॉट टच इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो फाइनली वी come to a conclusion that an abstract noun is the name of some quality which can be felt by our five senses, a state of mind or action or an idea. All these things are abstract noun. Common means everyday things. So common nouns are the name given to everyday thing. Iske baad jo likha hua hai, what we hear, smell, taste, ये हेयर, स्मेल और टेस्ट, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. इसे अभी हम कॉमन नाउन में शामिल नहीं करेंगे. हाँ, ऑब्वियसली व्हाट वी कैन टच इज कॉमन नाउन. तो इस डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. अब एक मिनट के लिए आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे. जिन वर्ड्स को मैं पढ़ूंगा वो कॉमन नाउन का डेफिनेशन बनेगा. जिसे मैं छोड़ दूंगा उसे आप भी छोड़ देना. Common nouns are name given to everyday thing. They each name all the things of particular kind. बस इतना ही आपने इसके डिफिनेशन में इंक्लूड करना है. इसे मैं अभी एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ सामने स्क्रीन पे फोर सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट सेंटेंस में एक वर्ड है मिकी और दूसरा वर्ड है माउस. मिकी से किसी एक माउस का पता चलता है, वो किसी एक माउस का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन है. लेकिन माउस एक जैसे दिखने वाले सारे एनिमल्स को रेफर करता है, सारे एनिमल्स के बारे में बताता है. तो एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे को बताने वाला, एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट या बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे प्लेसेस को जो इंडिकेट करता हो, रेफर करता हो, वो कॉमन नाउन है. सेकेंड एग्जाम्पल में एक वर्ड है पेंस. जब हम पेन बोलते हैं तो एक जैसे दिखने वाली जितने भी वस्तुएं हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाती हैं. तो पेन बोलने से एक जैसे दिखने वाली सारी वस्तुओं का बोध होता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक जैसे दिखने वाली सारी वस्तुओं के नाम, एक जैसे दिखने वाले सारे एनिमल्स के नाम, एक जैसे दिखने वाले सारे प्लेसेस के नाम, इन सबको हम कॉमन नाउन कहते हैं. ए नेम गिवन टू the whole of similar kind of things, place or person. So we can say a common noun is a name common to any and every person or thing of the same kind. They are all common noun. Our next topic is material noun. A material noun names the matter or substance of which things are made. Material nouns उन सारे वस्तुओं के नाम हैं जिनसे फिर से कोई नई वस्तु बनाई जा सकती है.
जैसे वुड, वुड से बहुत सारे फर्नीचर्स बनते हैं, कोल, स्टील, सैंड, वाटर, ये सब के सब मटेरियल नाउन्स हैं, क्योंकि इनसे फिर हम कुछ और नए सब्सटेंसेस बना सकते हैं, नई वस्तु। नीचे चार सेंटेंसेस दिए गए हैं और हर एक सेंटेंस में पर्पल कलर से हाइलाइटेड एक वर्ड है, वो मटेरियल नाउन है। वो हाइलाइटेड वर्ड्स किसी ऐसे वस्तु को इंडिकेट करते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन, कॉटन, ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, प्लास्टिक, ऑल दिस हाइलाइटेड वर्ड्स आर नेम ऑफ दोज सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी मेड। सो दोज नेम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटेरियल नाउन। Now, on the basis of whatever we have learned, we can define a material noun is the name of some substances or material of which things are made. Now, let us have a quick summary. A proper noun is the name of particular person, place or thing. A common noun is a name common to any and every person, animal, thing or the place. A collective noun is the name given to a group or collection of similar persons, animal or things taken as one. An abstract noun refers to some quality, feeling, action or a state of mind that we can only feel. A material noun denotes the matter or substance of which things are made. So, we have understood about the kinds and definition of various kinds of noun. Let us proceed. यहाँ कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें याद रखने की जरूरत है, फिर धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी और ये हमें एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहते हैं, सोल्जर्स के कलेक्टिव नाउन को आर्मी कहते हैं। म्यूजिशियंस का कलेक्टिव नाउन है बैंड। रिक्रूट्स का कलेक्टिव नाउन होता है बैच। रिक्रूट्स हम बोलते हैं ऐसे लोगों को जिनकी किसी नौकरी में नई बहाली हुई हो या नया भर्ती हुआ हो, जैसे सिपाही की भर्ती, तो हम लोग बोलते हैं बैच ऑफ सिपाहीज। चिकन्स के कलेक्टिव नाउन को ब्रूड बोलते हैं। सिंगर्स के कलेक्टिव नाउन को क्वायर बोलते हैं। स्टूडेंट्स का कलेक्टिव नाउन होता है क्लास। एक्टर्स और सोल्जर्स का कलेक्टिव नाउन होता है कंपनी। शेलर्स का क्रू। और बर्ड्स और सिप के कलेक्टिव नाउन को कहते हैं फ्लॉक। गीज एक तरह का बर्ड होता है, हम लोग उसे हंस कह सकते हैं। उनका कलेक्टिव होता है गैगल। कैटल के कलेक्टिव नाउन ग्रुप को हर्ड कहते हैं। एंजल्स को हॉस्ट कहते हैं। पप्स के कलेक्टिव नाउन को लीडर कहते हैं। प्लेयर्स, हॉर्सेस, ऑक्सन के टीम होते हैं। आर्टिस्ट, डांसर्स और परफॉर्मर्स के ट्रूप होते हैं। कॉटन, पेपर या हे, तीनों का कलेक्टिव नाउन होता है बेल। ब्रेड्स एंड केक्स, उनके होते हैं बैच। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं ये सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं और आपने इन्हें याद कर लेना चाहिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ चैलेंज, हाउ वेल हैव यू रीड। इन सारे क्वेश्चंस को आपने अपनी फेयर कॉपी में बनाना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, एक एक लाइन स्पेस छोड़ के लिखना है और इसमें आपने पहचान करनी है कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करेंगे उसके नीचे पी लिखेंगे और कॉमन नाउन को अंडरलाइन करेंगे उसके नीचे सी या कॉमन नाउन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, सेंट्रो को अंडरलाइन करेंगे उसके नीचे पी लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। कार्स को अंडरलाइन करेंगे और उसके नीचे सी लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन नाउन है। सेकेंड क्वेश्चन में गैप फिलिंग है, ब्लैंक्स हैं और उसमें आपने एप्रोप्रिएट वर्ड्स भरने हैं। इसके लिए आपको कोई भी हिंट नहीं दिया गया, अपना इमेजिनेशन, अपना ब्रेन पावर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, सप्लाई द कलेक्टिव नाउन्स टू कंप्लीट दिस फ्रेजेस। यहाँ पे आपने सुटेबल कलेक्टिव नाउन भरने हैं, जैसे बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन होता है फ्लॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर सी के फर्स्ट क्वेश्चन में भरेंगे फ्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर टू, वुल्व्स के लिए कलेक्टिव नाउन होता है पैक, देन वी विल राइट ए पैक ऑफ वॉल्व्स, पैक को अंडरलाइन करेंगे।
इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सोल्व करना है।